नॉर्मली इंडिया में हम लोगों को ये जानने की बहुत इच्छा होती है कि बस वाला, ऑटो वाला या ओला ड्राइवर्स ये सब कितना पैसा कमा लेते हैं, जो कि एक रिपोर्ट से पता भी चला है कि हर आदमी एक बार तो इन सबसे ये पूछ ही लेता है कि आप ये चला के एक महीने का कितना कमा लेते हो। तो आज की इस वीडियो में हम एक बस ड्राइवर की इनकम जानेंगे, लगभग हर टाइप के बस ड्राइवर की हम बात करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट बस ड्राइवर हो, रोडवेज बस ड्राइवर हो या फिर प्राइवेट बस ड्राइवर हो। और हाँ, अगर बिजनेस और स्टार्टअप में थोड़ा भी इंटरेस्ट है ना, तो दोस्तों चैनल आपके लिए है, सब्सक्राइब करके रख लो उसको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीटीसी बस या गवर्नमेंट बसेस की, क्योंकि आपको ये हर जगह देखने को मिल जाती हैं। हर डीटीसी बस ड्राइवर की इनकम अलग अलग होती है, इनकी इनकम डिपेंड करती है कि वो कौन से एरिया के लिए बस चला रहे हैं। अगर वो क्राउड एरिया वाली जगह है तो वहाँ पर ज्यादातर बस हमेशा फुल रहती है, तो वहाँ पर इनकी सैलरी भी बहुत ज्यादा होती है। और वहीं अगर वो कम क्राउड एरिया में चलाते हैं तो उनकी सैलरी भी उतनी कम होती है। ज्यादातर डीटीसी बस में सबसे सस्ता टिकट 5 रुपए का और महंगा 25 रुपए तक भी जाता है। अब इनकी सैलरी इस पर डिपेंड नहीं करती है कि वो कितने पैसेंजर बैठाते हैं या लोगों ने बस में कितनी टिकटें खरीदी हैं। तभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट बस ड्राइवर को और कंडक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों ने टिकट खरीदी है या नहीं, उनको बस चलाने से मतलब होता है। और अगर ये ओवर टाइम करते हैं तो इनको बोनस भी अच्छा खासा मिलता है। अगर एक फ्रेशर ज्वाइन करता है गवर्नमेंट बस ड्राइवर के लिए तो उसकी सैलरी 15,000 से 17,000 के बीच में शुरू होती है, और 4 से 5 साल चलाने के बाद ये 25,000 से 30,000 तक भी जाती है एक महीने की। पर एक गवर्नमेंट बस चलाना बहुत मेहनत का और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा काम होता है। अगर वहीं बात करें रोडवेज वालों की, जो कि ज़्यादातर दूसरे शहर में ट्रैवल करते हैं, जैसे कि दिल्ली से पंजाब या पंजाब से दिल्ली, तो यहाँ पर इनकी इनकम डिपेंड करती है सीजन के ऊपर। अब अगर गर्मी का मौसम चल रहा है तो ज़्यादातर सब शहर वाले लोग गाँव जाना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर इनकी इनकम भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ एडवांस बुकिंग बस भी होती हैं और दूसरी जो उसी टाइम चलने वाली भी होती हैं, जिनको हम तत्काल भी कहते हैं। जनरली बुकिंग बस एसी वाली होती हैं तो इनका टिकट 500 से 1,000 रुपये तक भी जाता है, और ज़्यादातर जो तत्काल वाली होती है इनका टिकट 300 से 600 रुपये तक जाता है। तो इस हिसाब से सीजन में ये बस ड्राइवर महीने का अच्छा खासा 30 से 50 हज़ार रुपये तक कमा लेते हैं, जिसमें से 10 से 15 हज़ार ही कंडक्टर को दे देते हैं। तो यहाँ पर रोडवेज बस ड्राइवर बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, और ज़्यादातर इनका सफ़र रात को होता है, और इनकी बस चलाने की स्पीड तो पूछो ही मत, और उसकी वजह से इनके बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जो प्राइवेट बस चलाते हैं। अब इसमें भी दो टाइप के बस ड्राइवर आते हैं, एक जो लोकली चलाते हैं, जिनको दिल्ली में मेट्रो फीडर बस भी कहा जाता है, जिनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन डीटीसी बस या गवर्नमेंट बस होती हैं, और इसमें दूसरे टाइप की बस होती हैं जो वेकेशन वगैरह के लिए बुक की जाती हैं। यहाँ पर मेट्रो फीडर बस या लोकल बस का टिकट सेम होता है गवर्नमेंट बसेस की तरह, बस ये है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकट बेचनी होती हैं, और गवर्नमेंट बसेस से इनका कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहता है। तो यहाँ पर इनकी इनकम डिपेंड करती है कि वो कितने पैसेंजर अपने बस में भर पाते हैं। जनरली इनकी इनकम गवर्नमेंट बस ड्राइवर से ज़्यादा होती है, ये महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये तक आराम से कमा लेते हैं, पर इनको शुरुआत में अपने जेब से खर्चा करना पड़ता है बस को खरीदने के लिए। अगर बात करें जो बस वेकेशन वगैरह के लिए बुक होती हैं, तो यहाँ पर बस ड्राइवर को दोनों रूट की इनकम होती है, यानी पैसेंजर को लेके भी जाना है और वापस भी लाना है, और ये बस में अच्छी सर्विस भी देते हैं। तो इनका एक रूट का प्राइस 2,000 से 5,000 तक चला जाता है, तो ये भी महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये तक आराम से कमा लेते हैं। पर इनका जनरली रूट बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो मेहनत भी इनकी उतनी ही ज़्यादा लगती है। अगर बात करें जो बस ड्राइवर एक लेवल के लिए बस चलाते हैं, जैसे कि स्कूल बस, आर्मी बस या स्पोर्ट टीम बस, जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए या फुटबॉल टीम के लिए, इनको पैसों की कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, और इनकी अच्छी खासी इनकम भी हो जाती है। पर इन बस ड्राइवर्स में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और बहुत सालों का एक्सपीरियंस ये होता है इन टाइप की बस चलाने के लिए। अब चाहे बस ड्राइवर कोई से भी टाइप की बस चलाता हो, इस काम में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, पैसा इनके लिए इतना मायने नहीं रखता, और यही बस ड्राइवर अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं इस काम में, और फिर इनको इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं दी जाती, जो कि इंडिया में बहुत गलत बात है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और मैंने आपको ज़्यादा टाइम ना दिया हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।